नमस्कार, आई एम सी ए सुदीप कुमार जैन फ्रॉम आगरा। टुडे आई एम शेयरिंग द प्रोसीजर ऑफ सुओमोटो रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द कैटेगरीज ऑफ कंपनीज विच कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। तो फर्स्ट कैटेगरी जो फर्स्ट कंपनी जो इस कैटेगरीज में आती है वो है सबसे पहले लिस्टेड कंपनी। सेकेंड इज कंपनीज विच इज डीलिस्टेड ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ लिस्टिंग रेगुलेशन और एनी अदर लॉ। वैनिशिंग कंपनीज, वैनिशिंग कंपनी दोस्तों वो होती हैं जो कंपनी पिछले 2 साल से ना तो कोई आरओसी रिटर्न भर रही है, ना ही कोई रजिस्टर्ड ऑफिस मेंटेन कर रही है और ना ही इसके डायरेक्टर ट्रेसेबल है। नेक्स्ट कैटेगरी इज द कंपनीज वेयर द इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन इज ऑर्डर्ड एंड बीइंग कैरिड आउट और एक्शन ऑन सच ऑर्डर आर गेट टू बी टेकन और वर्क कंप्लीटेड बट प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। नेक्स्ट कैटेगरी आती है कंपनीज अगेंस्ट विच एनी प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस इज पेंडिंग इन एनी कोर्ट। नेक्स्ट इज कंपनीज वेयर द एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग इज पेंडिंग बिफोर कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज। कंपनीज विच हैव एक्सेप्टेड द पब्लिक डिपॉजिट विच आर आइदर आउटस्टैंडिंग और द कंपनीज इन डिफॉल्ट और रीपेमेंट ऑफ द सेम। कंपनीज हैविंग चार्जेस विच आर येट टू बी सेटिस्फाइड एंड कंपनीज नॉट फॉर प्रॉफिट यानी चैरिटेबल कंपनी वेद रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 1956 और कंपनी 2013। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। तो फर्स्ट ग्राउंड इज कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई पर अगले 1 साल तक कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाई या पिछले 2 सालों से कंपनी कोई बिजनेस नहीं कर रही है और ना ही कंपनी ने डोरमेंट कंपनी के स्टेटस के लिए आरओसी में अप्लाई किया है या फिर कंपनी के जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम थे उन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं किया, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। Now, what are the precondition for removal? क्या क्या हमें तैयारी करनी है रिमूवल से पहले? जो कंपनी की लाइबिलिटीज हैं ऑल शुड बी पेड ऑफ, रिटर्न कोई भी पेंडिंग नहीं होना चाहिए, अगर है तो उन्हें आपको प्रॉपर सबमिट करना पड़ेगा। एक बात और ध्यान रखने की है कि जो मैं ग्राउंड से बताने जा रहा हूँ इन ग्राउंड में से कोई भी काम अगर पिछले 3 महीने में कंपनी ने किया है तो वो रिमूवल के लिए एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकती। पहला ग्राउंड आता है कि कंपनी ने अपना नाम चेंज किया है या अपना रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस चेंज किया है वन स्टेट टू अनदर स्टेट, या कंपनी ने कोई बड़ी प्रॉपर्टी सेल आउट की है, या कोई कंपनी इस रिमूवल प्रोसीजर के अलावा कोई और एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी, या कंपनी ने ट्रिब्यूनल में कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट के लिए एप्लीकेशन दिया हुआ है और मैटर अभी पेंडिंग चल रहा है, या कंपनी वाउंड अप हो गई है चैप्टर 2020 ऑफ द एक्ट में। नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर? कंपनी को सबसे पहले दोस्तों बोर्ड मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी। उस बोर्ड मीटिंग में जो डिसाइड होना है, जो रेजोल्यूशन पास होना है, वो 2 मैटर पे होना है। बेसिकली पहला मैटर है कि कंपनी डायरेक्टर्स अप्रूवल दें रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी के लिए। सेकंड, हमें मेंबर्स का अप्रूवल लेना है। अगर कंपनी मीटिंग कॉल नहीं कर रही है तो हमें 75% मेंबर्स की कंसेंट चाहिए इन फॉर्म। 75% मतलब पेड अप कैपिटल के रूप में। सेकेंड, अगर मीटिंग कॉल की जा रही है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना है मीटिंग में और उस मीटिंग का डेट टाइम प्लेस भी इस बोर्ड मीटिंग में ही डिसाइड होगा। साथ में उसका नोटिस, उसका एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी इसी मीटिंग में ड्राफ्ट किया जाएगा और साथ में ही एक आदमी अपॉइंट किया जाएगा जो इस मीटिंग का नोटिस सर्कुलेट करेगा। नेक्स्ट, अगर कंपनी किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अटैच्ड है जैसे RBI, SBI, सेबी, IRDAI, और इनको इससे कंपनी को इन लोगों से NOC लेना पड़ेगा। नेक्स्ट इज अगर जनरल मीटिंग कंपनी को होल्ड करनी पड़ेगी जहां अप्रूवल लेना है। नाउ व्हाट फाइनल प्रोसीजर इज, कंपनी को फॉर्म STK2 डाउनलोड करना है MCA की साइट से, उसको फिल करना है, उसमें डायरेक्टर के साइन डिजिटल लगेंगे। नेक्स्ट इज दैट फॉर्म इज अप्रूव बाय CA, CS और कॉस्ट अकाउंटेंट विच आर इन होल टाइम प्रैक्टिस एंड STK2 अपलोड किया जाएगा विद प्रिस्क्राइब फीस। लेकिन STK2 में कुछ डॉक्यूमेंट अटैच किए जाएंगे, तो क्या डॉक्यूमेंट्स हैं? सबसे पहले कंपनी बोर्ड रेजोल्यूशन की सर्टिफाइड कॉपी अटैच करेगी, उसके बाद स्पेशल रेजोल्यूशन अगर मीटिंग कॉल की गई है तो उसकी कॉपी, अगर मीटिंग कॉल नहीं की गई है तो 75% मेंबर्स इन फॉर्म ऑफ पेड ऑफ कैपिटल की कंसेंट हमें लगानी पड़ेगी। NOC अगर हमने ली है, जो हमें एप्लीकेबल थी हमने ली है NOC। नेक्स्ट इज इंडेमनिटी बॉन्ड।
हर डायरेक्टर को इंडेमनिटी बॉन्ड सबमिट करना है, जो इसका फॉर्मेट फॉर्म ST-K3 में है, बट इट शुड बी नोटराइज्ड, वरना क्वेरी आ जाएगी वहां से। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ST-K8 के फॉर्मेट में जाएगा, जिसमें कंपनी को अपनी असेट लायबिलिटी बतानी है, और वो स्टेटमेंट, वो जो स्टेटस है, वो एप्लीकेशन की डेट से 30 दिन पुराना नहीं होना चाहिए। साथ में हर डायरेक्टर का एफिडेविट जाएगा, जिसका फॉर्मेट ST-K4 में है, और अगर कोई लिटिगेशन पेंडिंग है तो वो उसकी लिस्ट भी इसमें अटैच की जाएगी, और ये फॉर्म अपलोड होते ही आपका काम खत्म हो जाएगा कंपनी के रिमूवल का। उसके बाद ROC अगर कोई क्वेरी होगी तो वो आपसे मांगेगी, अदरवाइज अप्रूवल का वो अप्रूव कर देगी इसका रिमूवल। थैंक यू फ्रेंड्स, दिस वॉज अ शॉर्ट वीडियो फॉर रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। थैंक यू सो मच।